हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर पॉइंट फॉर यू। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले डिलॉट की जो हायरिंग है वो चल रही है और उसकी लास्ट डेट है कल यानी कि 10 जनवरी की। तो आई थिंक ये सेकंड टाइम मैं ये वाली हायरिंग कवर कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा चलो आज लास्ट या कल लास्ट डेट है तो उससे पहले हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, कौन कौन एलिजिबल है, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। 8000 सब्सक्राइबर हमारे होने वाले हैं, लगभग 10 या 11 ही रह गए हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर देना। और इसके अलावा हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो, चाहे ऑफ कैंपस हायरिंग्स की रिलेटेड हो, चाहे किसी भी कंपनी से कोई अपडेट रिलेटेड वीडियो हो, मैंने सारी वीडियो बना के ऑलरेडी, और जिस दिन कोई अपडेट नहीं होती उस दिन मैं ऑफ कैंपस हायरिंग जरूर कवर करता हूँ। तो हमारे चैनल पर अराउंड मेरे ख्याल से तो 1300 वीडियोज़ होंगी, तो एक बार आप गो थ्रू जरूर होना, ठीक है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, तो एक बार आप ये चेकआउट कर सकते हैं। देखो अराउंड वीडियोस दिख नहीं रही हैं, ये सिर्फ सब्सक्राइबर ही आ रहे हैं, वैसे हमेशा तो आ ही जाते हैं, ठीक है। तो चलो मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, प्लेलिस्ट भी है हमारे पास, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप चेकआउट कर सकते हो जिस भी कंपनी से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट होता है तो, ठीक है। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट। तो जैसे सबसे पहले हम देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन ओपन है, रजिस्ट्रेशन बिफोर 10 जनवरी 11:59 यानी कि 12 बजे से पहले 10 जनवरी तक आपको अप्लाई करना है। और जो आपकी प्रोफाइल होने वाली है वो होने वाली एनालिस्ट ट्रेनिंग की। तो हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, तो आपको क्या क्या आना चाहिए। एज एनालिस्ट ट्रेनिंग यू विल बी डिलीवर ऑन स्पेसिफिक कैपेबिलिटी इन टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग, अंडरस्टैंडिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट, सपोर्ट, एप्लीकेशन डिजाइन, बिल्ड, टेस्ट, डिलीवर, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, यूनिट टेस्टिंग, टेस्ट क्रिएशन, टेस्ट स्क्रिप्ट क्रिएशन, एग्जीक्यूशन, ये सारी चीज़ें, और डे टू डे जो आपका टास्क हुआ वो करना, ठीक है। अब आते हैं क्वालिफिकेशन। यहाँ पर देख सकते 23 वाले पर्टिकुलरली एलिजिबल हैं, या तो 60% या उससे अबव, या 6.5 CGPA या फिर उससे अबव, ठीक है। इसमें आपका बी, बीटेक, एमई, एमटेक और एमसीए वाले एलिजिबल होने वाले, ठीक है। तो अब जर्नल एक्सपेक्टेशन जो आपकी, मतलब कि आपसे आपको आना क्या क्या चाहिए, तो मेन चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एमएस ऑफिस की आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें आपका हो गया पावर पॉइंट, हो गया एक्सेल, हो गया, ठीक है। ये मेन चीज़ें हैं जो आपको आनी ही चाहिए। इंग्लिश तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दो चीज़ों का आप ध्यान रखना जब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करते हो। तो रजिस्ट्रेशन होगी, देन आपका शॉर्टलिस्ट, देन ऑनलाइन टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, देन रिजल्ट डिक्लेरेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे आपने क्लिक करना है, न्यू विंडो खुलेगी, ठीक है। और वहाँ पे आपने हायर प्रो पे जाएगा, ये वन बाय वन आपने सारी चीज़ें फिल आउट कर लेनी है, ज़्यादा कुछ भी इसमें करने की आवश्यकता ही नहीं, सारा कुछ आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई जरूर करना, और 23 बैच से हो, बी बीटेक, एमई, एमटेक और एमसीए से, तो अप्लाई जरूर करना। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।